कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये एक नॉर्मल एक म्यूजियम टाइप है। यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाट, कहीं से कोई आवाज नहीं, कहीं झरने गिरने की आवाज, राम नाम जपने की आवाज, इंटरनल पीस बहुत मिलेगा। Hi guys, welcome back to the channel and you are watching Chiku Sakshi Vlogs. तो आज हम लोग जा रहे हैं गोवर्धन इको विलेज। गोवर्धन इको विलेज एक टूरिस्ट प्लेस होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल जगह भी है। हमारा चैनल ट्रेवल एंड फूड के लिए है, तो हम लोग वो रिकॉर्ड करने वाले हैं कि अगर आप वेकेशन पे जाते हैं तो वेकेशन पे आपको कैसा फील होगा, आप क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं, किस टाइप का आप वहाँ खाना खा सकते हैं, टेस्ट क्या है, और वहाँ पे साथ में फूड मिलता है तो साथ फूड के साथ साथ कोई अगर ऑप्शन है मसाला फूड का तो वो क्या क्या है, क्या प्राइस रेट है। अगर आप वहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो स्टे का भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है, और उसको आप एक दिन का, दो दिन का या पूरे महीने का भी आप स्टे बुक कर सकते हैं। तो क्या कॉस्ट रहेगी वहाँ की, सब कुछ अब कवरअप करने वाला हूँ इस वीडियो के एंड तक, आप बने रहिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक ही वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग आधे रास्ते तक आ गए हैं और अभी थोड़ा रुकते हैं, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, तो देखो। बाहर तेज बारिश स्टार्ट हो गई है और हम लोग अभी एक रेस्टोरेंट में रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। चिकू ने पोहा ऑर्डर किया है और मैंने मेन्यू बढ़ा। पोहे तो भाई राजस्थान के अंदर उदयपुर या फिर चित्तौड़, भाई जो चित्तौड़ के पोहे है ना और उदयपुर के, भाई मजा आ जाएगा। मतलब आज कह रहा हूँ एक बार ट्राई करना जरूर। क्या पोहे बाकी जगह सूखे सूखे होते हैं, वो पोहे थोड़ा उसमें मॉइस्चर होता है, इतने सॉफ्ट और इतना अच्छा होता है ना, वहाँ की नमकीन भी अलग ही टाइप की नमकीन होती है, मतलब वहाँ का टेस्ट कभी मुँह से जाता ही नहीं। अगर आप पक्के राजस्थानी हो तो खाना खाने के बाद चाय जरूर। वापस होड़ लेके अब निकले हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश रुकी है और बहुत प्यारा सा मौसम हो रहा है, आप देखो नज़ारा पूरा। आज हम जा रहे हैं गोवर्धन इको विलेज, जो कि मेरे हिसाब से रिजॉर्ट कम आश्रम है। रिजॉर्ट जैसी सारी फैसिलिटीज है और वहाँ पे उनका एक सात्विक एम्बियंस है, आश्रम जैसा बनाया हुआ है। ये इंस्पायर्ड है इस्कॉन जो फाउंडेशन है उससे। वहाँ पर वृंदावन में जैसा भक्तिमय माहौल रहता है वैसा यहाँ पर क्रिएट करने का एक कोशिश करी है। तो आप मुंबई में रहते हैं, बहुत बिजी लाइफ है, आपको टाइम नहीं है वृंदावन जाने का, और कुछ ऐसा स्पिरिचुअल एस्केप चाहिए तो आप वीकेंड पे यहाँ जा सकते हैं। गोवर्धन इको विलेज जाने के दो रास्ते हैं, एक आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय ट्रेन आपका नियरेस्ट स्टेशन पालगढ़ है, पालगढ़ से भी आपको उतर के बाय रोड जाना पड़ेगा बस या टैक्सी से, और वहाँ से करीबन ये थोड़ा शायद आधे घंटे का रास्ता है। दूसरा है बाय रोड जा सकते हैं, जो कि हम जा रहे हैं आज। बाय रोड जो है नज़ारे बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश है, बहुत अच्छा खासा एक ठंडा सा मौसम है, तो बस उस नज़ारे का आनंद लेते हुए चलते हैं गोवर्धन इको विलेज। यहाँ पे दो टाइप की पार्किंग है, अगर आपने कॉटेजेस बुक करवा रखे हैं तो आपको राइट में पार्क करना रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे लेफ्ट में है और पार्किंग फ्री है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं एंटर, और बाहर से तो काफी खूबसूरत दिख रहा है। अंदर एंटर करते ही श्री राधा वृंदावन बिहारी मंदिर है, और यहाँ भक्ति में लीन लोगों को देखते ही पता चलता है कि जगह कितनी स्पिरिचुअल है। और जब आप इस मंदिर में ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हर जगह कृष्ण और राधा ही दिखेंगे।
ऑब्वियसली जाने को मन तो नहीं करता, बट समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले हम आए हैं श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर, और ये मंदिर वृंदावन का बहुत पुराना प्राचीन मंदिर माना जाता है, जो हूबहू यहाँ बनाया है। तो ये काफी सुंदर मंदिर है, आप देखिए इस दृश्य को, सच में आपको भी ऐसा लगेगा कि मतलब आप सही में वृंदावन आ चुके हैं। थोड़ा बहुत घूमने के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये एक नॉर्मल एक म्यूजियम टाइप है, और ध्यान करने की जगह है, स्पिरिचुअल प्लेस है। आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब एक जगह है जहाँ पे आपको शांति चाहिए, थोड़ा पीस चाहिए, तो आप यहाँ पे आए, एक दिन आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं, और रुकने के बाद आपको थोड़ा पीस मिलेगा। यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाट और मतलब बिल्कुल शांति, कहीं से कोई आवाज़ नहीं, कहीं झरने गिरने की आवाज़, कहीं से कुछ राम नाम जपने की आवाज़, कहीं पे कोई कुछ हो रहा है, कहीं पे कीर्तन हो रहा है, तो वो जो पीस मिलेगी आपको, इंटरनल पीस बहुत मिलेगा। बट तो ये एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि यहाँ पे आके आप पिकनिक बनाएं या फिर कुछ इन्जॉय कर सकें, वो जगह नहीं है। अभी हम जहाँ बैठे हैं वो है बरसाना का राधा रानी मंदिर। तो ये बरसाना की थोड़ी सी झलक दी गई है, और अभी भी हमको यही लग रहा है कि ये जगह एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, कि एक छोटी स्पिरिचुअल जगह है जहाँ पे आप नॉर्मल मेडिटेशन वगैरह पूजा वगैरह कर सकते हैं, एक नॉर्मल सी जगह है जहाँ पे आप शांति से चुपचाप बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इसी रीज़न से मुझे लगता है ये थोड़ी अंडररेटेड जगह हो गई, लोगों को इतना मालूम नहीं है इसके बारे में। और ये पूरा एक वृंदावन का मॉडल टाइप बनाया हुआ है, और यहाँ पर करने को इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। मंदिर है, आप दर्शन कर सकते हैं, जाकिया है, देख सकते हैं, बट कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करने को नहीं है। यहाँ पर आप आ रहे हैं तो मेडिटेशन और उस हिसाब से ही आए। तो इस वक्त अभी हम खड़े हैं जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी झूला झूला करते थे, तो उनकी जो लीला हुई थी उसका एक रूप दर्शाया गया है यहाँ पे। तो अभी हम आए हैं श्री राधा गोकुलानंद मंदिर, और ये यहाँ का दृश्य है। ये बनाया गया है गोवर्धन पर्वत, जो कि कृष्ण भगवान ने अपनी एक उंगली के ऊपर उठाया था, उसका एक थोड़ा रूप यहाँ दे रखा है कि इस तरीके से इसको उठा रखा था। वहाँ नीचे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, कृष्ण लिफ्टिंग गोवर्धन हिल। तो एक छोटा सा स्वरूप बनाया गया है यहाँ पे, कोई इतना मतलब बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है मेरे हिसाब से, मतलब नॉर्मल एक दिन का टूर आप कर सकते हैं यहाँ पे। मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टे करने का इतना मुझे अभी तक तो नहीं लग रहा है, फिर भी देखते हैं आगे, क्या पता अगर विचार बदल जाता है अपना तो फिर यहाँ पे रहेंगे भी। ये यमुना का तट बना रखा है, और यहाँ पे शाम को आरती होती है। यहाँ पे नक्शा दे रखा है, यहाँ पे ये पॉइंट्स भी दे रखे हैं किस किस जगह पे क्या है, तो पॉइंट्स के हिसाब से आप जा सकते हैं। ये है भूतेश्वर महादेव मंदिर, और वृंदावन में आने से पहले जो शिवजी हैं, जो भूतेश्वर महादेव हैं, इनकी पहले परमिशन ली जाती है, इनकी पूजा करी जाती है, उसके बाद में एंटर करा जाता है। ये यमुना के तट के ऊपर हम क्रॉस करने वाले हैं। यहीं से वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लेके
को पुल नंद बाबा के पास छोड़ा था। बना तो बहुत अच्छा रखा है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, बहुत सुंदर सा बनाया हुआ है, काफी अच्छी जगह है, वो देख सकते हैं वहाँ पे, देखो पानी धीरे धीरे बह रहा है। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं हमारा मिनी वृंदावन टूर। अब देखते हैं यहाँ पर खाने में क्या क्या है। दिन में यहाँ पे प्रसाद में खिचड़ी मिलती है, जो इस्कॉन टेम्पल में भी मिलती है, वो तो हमारा मिस हो गया, बट अब देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या है। तो ये है यहाँ की गौशाला और यहाँ पे आप इनका दूध का सेवन कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, ये तो बैल है वरना हम की लात खा लेंगे। और हम आ चुके हैं श्रीनाथ जी कैफे। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे मतलब हर एक चीज का जो भी ऑर्डर है वो फ्रेश ऑर्डर बनता है। बहुत सही है यार, बहुत टेस्टी है। दही भी पूरा फ्रेश है एकदम, समोसा भी इन्होंने ताज़ा बनाया है मेरे सामने और बहुत अच्छा बनाया है समोसा, तो चाट है मतलब बाकी में एकदम टू टेस्ट आ रहा है। तो ये है चमचम, क्या टेस्ट है यार, बहुत सही है। मिठाई मतलब वाकई में मिठाई है, मिठाई खाते ही मतलब एक जो खुशी मिलती है ना वो है। तो ये है छोला टिक्की। तो फाइनली अब यहाँ से निकल रहे हैं गोवर्धन इको विलेज से। तो यहाँ का मतलब अगर कंक्लूजन अगर मैं करूँ तो यहाँ पे ये है कि अगर आप घूमने आना चाहते हैं, जैसे वन डे ट्रिप करना चाहते हैं, तो ये 1.5 से 2 घंटे की जगह है। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं, उसमें आरती देखना चाहते हैं यमुना घाट पे, तो वो शाम को होती है करीबन 6-6:30 बजे के आसपास आरती होती है। बाकी और भी भजन कीर्तन वगैरह होते हैं सुबह शाम को, उसमें अगर करना है तो आप पूरा डे आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑटो एंड टैक्सी दोनों अवेलेबल हैं, बस स्टैंड है या फिर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ आप जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप बुक करवा सकते हैं। कॉटेज का प्राइस 8,000 रुपीज़ पर नाइट है। गोवर्धन इको विलेज वाले ऐसा बोलते हैं कि आपको 15 डेज प्रायर बुकिंग करानी होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सब बुकिंग फुल रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चीकू साक्षी व्लॉग्स। अरे कुछ नहीं करेगा तू तो, आजा आजा आजा। तो फाइनली वापस निकले हैं, फाइनली क्यों, वो नजारा पूरा। तब तक अपन पहुंचते हैं गोविंदास, बताओ गोवर्धन इको हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चीकू साक्षी व्लॉग्स। वापस नॉर्मल जैसे चलते हुए चलती रहे ना, नेचुरल एक्टिंग करनी है।